अंजनी महादेव, मनाली की इन सुंदर वादियों में बैठे हैं मेरे महादेव, आओ उनके दर्शन कराऊं। दोस्तों, ये ट्रैक सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है। इस ट्रैक में आप घोड़ा कर सकते हो, गाड़ी कर सकते हो और पैदल भी चढ़ सकते हो, मज़ा आएगा। चलो चलें। हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल, आप देख रहे हैं शुभ एंड फैमिली। आज हम मनाली से ऊपर आए हैं और हम दर्शन करने आए हैं महादेव जी के, अपने भोले शंकर के। और हम आए हैं अंजनी महादेव, और अब हम यहाँ से ना ट्रैक शुरू करेंगे और देखेंगे कितना टाइम लगता है, और आपको दर्शन भी कराएंगे और आपको ले चलते हैं, देखते हैं कैसे चलते हैं। गाइज, हम पैदल जाने लगे हैं और सारा कच्चा रास्ता है। आपको पूरे रास्ते के पूरे नज़ारे दिखाते हैं और कितना टाइम लगता है वो भी इसमें कैप्चर करते हैं। और ट्रैक हमारा शुरू हो गया अंजनी महादेव जी का, चलते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा वेदर है दोस्तों, ऊपर पूरी पहाड़ियाँ आप देखो, पूरी बर्फ पड़ी हुई है, बादल हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। और ये तो महादेव की कृपा है कि हमें उन्होंने अपने दर्शन के लिए बुलाया है दोस्तों। और हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ये सारे फ्रेंड्स, ये परशा जी जा रहे हैं हमारे, संदीप जी, ये सिमरन जी, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। मौसम बहुत ही ठंडा है, बाकी दिखाते हैं आपको नज़ारे। दोस्तों, आपको ऐसे वाहन भी मिल जाते हैं ऊपर जाने के लिए, जो पैदल जाना चाहते हैं पैदल जा सकते हैं, जिन्होंने घोड़ा करना है वो घोड़ा कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ये गाड़ी करनी है वो गाड़ी भी कर सकते हैं दोस्तों। पता नहीं, ये है हमारे राहुल जी। अब हम सोलांग वैली से अंजनी महादेव की ओर जा रहे हैं। जब भी आप लाइफ में मनाली से आगे सोलांग वैली आए तो अंजनी माता के तपस्या के दौरान बनाई गई ये शिवलिंग यहाँ पे जरूर आएं। इसे अंजनी महादेव का नाम दिया गया है। 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ये, बड़ी आसानी से आप पैदल कर सकते हैं। धन्यवाद।
गाइज हम लोगों ने कर लिया घोड़ा और हम घोड़े पे जाएंगे 2-2.5 किलोमीटर। पूरी कच्चे पत्थरों की चढ़ाई है, चढ़नी बहुत मुश्किल थी। जैसे बाबा बुलाए हम वैसे जाएंगे और चढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभू बाबा, तेरे दर्शन दुर्लभ भोले बाबा। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके बहुत ही आनंद आया।
साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं गाइस। अब हम वापसी कर रहे हैं पैदल, और देखिए ग्लेशियर जमा है और ठंड भी काफ़ी है, बहुत ठंड है गाइस। प्लीज सब सबर कर सारा खबर सबर कराए सारा सारा